चलो अगला हम बात क्या करेंगे, रिएक्शन विथ एमोनिया। अब हम एमोनिया दो तरह का लिए हैं, हम जो एमोनिया लिए हैं ये एमोनिया हम दो तरह का लिए हैं, एक हमारा गैस फॉर्म में है, एक हमारा लिक्विड फॉर्म में है। अब देखो इसमें हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें एल्कली मेटल के साथ भी करेंगे, एल्कालाइन मेटल के साथ भी करेंगे, दोनों का ऑलमोस्ट सेम आएगा। हम देख रहे हैं कैसे आएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, केवल साइन में, कि एल्कली है तो मेटल प्लस वन शो करेगा, एल्कालाइन है तो प्लस टू शो करेगा। चलिए सबसे पहला हम बात कर रहे हैं फॉर एल्कली मेटल, फॉर एल्कली मेटल, इसमें केवल वनली लिथियम विल शो, इसमें केवल क्या होगा, केवल लिथियम ये रिएक्शन करेगा। चलो हमने ले लिया यहां पर मेटल, इसको अगर हमने रिएक्ट किया है NH3, अगर आपको NH3 का फेज नहीं दिया है तो आपको आंसर में दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, गैस वाला कि लिक्विड वाला। अगर हम यहाँ फेज में गैस दे दिए तो ये इमीडिएट क्या बनेगा, ये बन जाएगा MnH2 प्लस, साथ में ये आपको H2 गैस बना देगा, और यही जो MnH2 बना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटल अमाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल अमाइड। अब चलिए ये लेकिन बेटा केवल लिथियम के लिए वैलिड है, अगर दूसरा भी अगर हम फिर से एल्कली मेटल लिए जो लिथियम ही लेते हैं केवल, अब यहां पर हम एमोनिया गैस के जगह एमोनिया लिक्विड ले लिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमें ये बात करना है। अब देखो इसका तो आंसर सीधे ये बन जाएगा, क्या बनेगा, MnH3 का होल प्लस फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन NH3 का होल माइनस। अब ये कैसे होगा थोड़ा आप पहले समझो इसको, क्या इसमें प्रोसेस है, कैसे होता है। देखो जो आपने एल्कली मेटल लिया ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा M प्लस, और साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, करेगा ना। और जो यहाँ पर एमोनिया लिक्विड है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एमोनिया में केवल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किया है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये प्लस वाला इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, MnH3। और रेस्ट जो एमोनिया है आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमोनिया पर जो प्लस आएगा वो इलेक्ट्रॉन से गेन करके वो ये बना ले। अब मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट कर दे कि हमने एल्कली मेटल तो लिया है लेकिन यहां जो हमने एमोनिया लिक्विड में लिया इसको हमने कर दिया एक्स प्लस वाई, इसको हमने कर दिया एक्स प्लस वाई और हम लगा दिए इधर NH3 लिक्विड। हम बोल रहे हैं अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप क्या बनेगा, आप एक बार मेटल के साथ आप एमोनिया का लिंकेज कर दो, एक्स टाइम एल्कली मेटल है तो प्लस वन होगा, प्लस मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसको आपने एमोनिया से जोड़ दिया, वाई टाइम्स ओवरऑल चार्ज माइनस। दिस इज वैलिड फॉर
एल्कली मेटल। अब ये फर्दर कैसे हुआ मैं इसको आपको मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा। अब मान लीजिए कि यही चीज अगर हमें करना है एल्कली अर्थ मेटल के लिए, हमें करना है एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, कोई बात नहीं है, जहां पर आपने M प्लस होगा वहां पर M प्लस टू होगा। हम यहां पर एल्कलाइन में M ले लिए और साथ में हम यहां ले लिए NH3 इन गैस फॉर्म, तो ये बन जाएगा M NH2 का होल 2 और साथ में बन जाएगा H2। ये कब होगा? जब हम एमोनिया किस फॉर्म में लिए? गैस फॉर्म में लिए। और यही मेटल जब हम रिएक्ट करते हैं X प्लस Y एमोनिया के साथ इन लिक्विड फॉर्म, तब ये क्या बन जाएगा? ये मेटल एमोनिया X के साथ रिएक्ट किया, अब एल्कलाइन है तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस टू। और ये इलेक्ट्रॉन NH3 का होल Y -2 बनाता है, -2। अब देखो बेटा, पहले तो आप सबका नाम लिखो, फिर हम आते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ। अब देखो, जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड मेटल आयन। इसको हम बोलते हैं क्या? सॉल्वेटेड मेटल आयन। मेटल आयन सॉल्यूशन में आ गया क्योंकि आपने अमोनिया लिक्विड में लिया है। और इसको हम क्या बोलेंगे? एमोनिएटेड मेटल आयन। और क्या बोलेंगे इसको हम? एमोनिएटेड मेटल आयन, एमोनिया। ये जो अनायन बना है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं। सेम इसका भी यही नाम होगा, इसको भी हम बोलेंगे सॉल्वेटेड मेटल आयंस और एमोनिएटेड मेटल आयंस, इसका भी यही नाम होगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये वाला जब सिस्टम, जब सॉल्यूशन में ये प्लस एंड माइनस जब बनते हैं तो इसका कलर होता है डीप ब्लू, इसका कलर होता है डीप ब्लू, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आता है। इसका कलर क्या होता है? डीप ब्लू। क्यों डीप ब्लू होता है? इसका जो डीप ब्लू कलर होता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन आता है कि एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल जब रिएक्ट करता है एमोनिया विच इज इन लिक्विड फॉर्म, द सॉल्यूशन इज ब्लू, व्हाट इज द रीजन? क्या होगा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस बात कर रहे हैं आईआईटी और नीट लेवल का, कि भैया कभी कभी इसका कलर डीप ब्लू से डीप ब्राउन भी हो जाता है। समटाइम्स कलर चेंजेस फ्रॉम डीप ब्लू टू ब्राउन कलर। ये कब होता है? व्हेन
कंसंट्रेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, अब ये आप एल्कली लो चाहे एल्कलाइन हो दोनों के लिए वैलिड है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इंक्रीजेस, जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जो हमारा कलर है वो डीप ब्लू से ब्राउन कलर हो जाता है। क्लियर? अब अगला हम बात करते हैं कि ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ये वाला, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअली कैसे होता है, क्या स्टेप होता है। ये मैकेनिज्म आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में कभी आप प्रोडक्ट भूल गए तो आप मैकेनिज्म के थ्रू इसका आंसर लिख सकते हो, यस और नो। चलिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म में कि लिक्विड एमोनिया में हमारा क्या क्या इसमें काम होता है। देखिए सबसे पहले आप मेटल लिए, ये कुछ भी हो सकता है, एल्कली के लिए भी सेम प्रोसेस है, एल्कालाइन के लिए भी सेम है। तो ये जो मेटल है ये पहले बनाता है मेटल आयन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब हम यहां पर इसको एज्यूम किए एल्कली मेटल, ठीक है। अब क्या होगा, अब यही जो मेटल प्लस है ये क्या करेगा, ये एक्स एमोनिया NH3 जो लिक्विड में है इससे रिएक्ट करेगा। अब ये बताओ बेटा अब ये रिएक्ट क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है माइनस, तो क्या प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, मेटल का अट्रैक्शन हुआ एमोनिया के साथ। अब एमोनिया कितना, मेटल एक है हमने एम एक लिखा, एमोनिया एक्स है तो हमने यहां पर एक्स कर दिया। अब जैसे एमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को तो इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इस पर ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन खाली है, अब यही इलेक्ट्रॉन दूसरा जो वाई मोल ऑफ NH3 लिए हैं लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लिए हैं, अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो डेफिनेटली ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये बना लेगा इलेक्ट्रॉन के साथ NH3। हम देख रहे इलेक्ट्रॉन एक है तो हम भी इलेक्ट्रॉन लिखे एक, एमोनिया वाई है तो हम लिख दिए वाई। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, माइनस। अब आप इसको जोड़ दो तो अब क्या देख रहे हो कि मेटल प्लस क्या हो गया, कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल, मेरा क्या बचा, मेटल प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ NH3 लिक्विड इज गिविंग एम ऑफ NH3X का होल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ NH3 का होल वाई, यही हमने रिएक्शन यहां पर लिखा है। क्लियर? तो आपका ये मैकेनिज्म है, ये तब आपको याद आता है जब एग्जाम में आपके पास टाइम है, आप प्रोडक्ट भूल गए तो आप इस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसका कलर क्या होता है, द कलर इज डीप ब्लू, क्या होता है कलर, डीप ब्लू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड मेटल आयंस और एमोनिएटेड आयंस, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलिए अब जो हमारा एक है वो आता है प्रैक्टिकल की बात, जो आप लैब में करोगे वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट, किसका क्या कलर होता है। अगला हम बात करते हैं किसका, फ्लेम टेस्ट का।
अब देखिए, जब हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट का, तो फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं, हम पूरा लैब के ऐसे बात करेंगे कि आप लैब में कैसे करते हो, फिर कैसे आप हीट करोगे, कैसे उसका कलर आएगा, हम उसकी पूरी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सॉल्ट लेते हो, क्या लेते हो? सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब सॉल्ट में आपके पास कोई ना कोई एक मेटल है और कोई ना कोई एक नॉन मेटल है, तभी जाकर सॉल्ट बनेगा। अब ये प्लस वाला कौन सो करता है? मेटल का ही टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तो मेटल ही साइन प्लस दिखाता है। तो ये प्लस वाला हमारा आइदर एम प्लस मतलब एल्कली मेटल, और अगर एम प्लस टू हुआ तो एल्कलाइन अर्थ मेटल। अनायन क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक, तो हमें केवल एस ब्लॉक की बात करना है। अब आपने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट लेने के बाद थोड़े से लिटिल अमाउंट में आप लेते हो कंसंट्रेटेड HCl। लिटिल अमाउंट में आप क्या लेते हो? कंसंट्रेटेड HCl। अब क्या करोगे? सॉल्ट एज वेल एज कॉन्क HCl दोनों को आप मिक्स करके पेस्ट बनाओगे। दोनों को मिक्स करके आप क्या बनाओगे? पेस्ट। पेस्ट क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड HCl। दोनों को मिलके हम क्या बनाएंगे? पेस्ट बनाएंगे। जब पेस्ट बन जाएगा तो यही पेस्ट को हम प्लेटिनम वायर पर लेंगे। यही पेस्ट को हम क्या करेंगे? हमें लैब में प्लेटिनम वायर दिया जाएगा, उस प्लेटिनम वायर पर हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे। अब ये प्लेटिनम वायर कैसा होता है पहले ये देखो। आपका इस तरह का ये होगा बेस, जिसको आप हाथ से पकड़ोगे होल्डर, और ये ऐसा प्लेटिनम वायर होता है, और थोड़ा सा यहाँ पर एक बेंड तरह का एक होल रहता है। यही आप जो पेस्ट बनाए हो थिक पेस्ट, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर ले लोगे। क्या ले लोगे? यहाँ पर, मतलब हम बोल देंगे कि यहाँ प्लेटिनम वायर में फिल द पेस्ट जो पहले बना है, फिल द पेस्ट जो पहले पेस्ट बना है उसको आप यहाँ पर रख दो। जब आपने पेस्ट को प्लेटिनम वायर में रख दिया, अब आप क्या करो, इसको फायर में हीट करो। बंसन बर्नर जो आपके केमिस्ट्री लैब में होगा, वहाँ पर आप इसको फायर आग में इसको गर्म करो। ये हमारा क्या हो गया? बंसन बर्नर। इसको आप आग में गरम करो। जब आप इसको फायर में गरम करोगे, जब आप इसको फायर में गरम करोगे फिर क्या देखोगे? तब जाके आपको कलर फ्लेम ऑब्टेन होगा, तब जाके आपको कलर फ्लेम मिलेगा। जब फायर में गरम करोगे तब जाके कलर फ्लेम मिलेगा। और ये जो कलर फ्लेम मिलता है, इसका मिलने का तीन रीज़न है। सबसे पहला क्या होता है? थर्मल सब्लिमेशन। सबसे पहला प्रोसेस होगा थर्मल सब्लिमेशन। दूसरा प्रोसेस होगा थर्मल आइसोलेशन। और तीसरा होगा थर्मल ट्रांजिशन। ये हो गया थर्मल आयोनाइजेशन। दिस इज योर थर्मल आयोनाइजेशन। और तीसरा है थर्मल ट्रांजिशन। ये तीन प्रोसेस हैं जिससे हमें कोई भी मेटल का कलर मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा एक फ्लेम टेस्ट का प्रोसेस है। पहले आप सॉल्ट लोगे, फिर थोड़ा सा कॉन्क HCl लोगे, दोनों को मिक्स करोगे, ठीक पेस्ट बनाओगे, फिर आप प्लेटिनम वायर लोगे, प्लेटिनम वायर के ऊपर में जो थोड़ा हॉलो है उसमें पेस्ट को भरोगे, फिर उसको बंसन बर्नर में गर्म करोगे, फिर विद द हेल्प ऑफ थ्री प्रोसेस
थर्मल सब्लिमेशन, थर्मल आयोनाइजेशन एंड थर्मल ट्रांजिशन के हेल्प से आपको डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएगा। क्लियर है? चलो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कोई भी सॉल्ट लेके उसका कलर करते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हमने यहां पर एक सॉल्ट ले लिया, ये हो गया हमारा प्लस एंड माइनस। हमने इसको रिएक्ट कर लिया किससे? कॉंक HCl से। किससे रिएक्ट किया हमने? कॉक HCl से। अब जब दोनों मिक्स करेंगे तो हमारा थिक पेस्ट बनेगा, यानी ये प्लस वाला डेफिनेटली हमारा क्या है? मेटल है। यानी जो हमारा प्लस वाला पार्ट है मेटल का, वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन वाला माइनस से, मतलब MCl बनेगा, और साथ में क्या होगा? एसिड का H प्लस फ्री हो जाएगा। अब एसिड का H प्लस फ्री और साथ में यहां आ जाएगा माइनस, यही हमारा कंपाउंड बनता है। या इसको हम क्या लिख दें? ये हमारा बन जाएगा MCl। क्या बनेगा? MCl, मतलब M प्लस एंड Cl माइनस, और यहां हमारा सॉल्ट बन गया। अब यही जो हमारा थिक पेस्ट बना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अगर नाम देना हो तो इसका नाम हम क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट। क्या नाम देंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट। चलो अब ये मेटल सॉल्ट है तो डेफिनेटली ये किस में होगा? सॉलिड में होगा। अब हमने क्या किया कि इसको हमने प्लेटिनम वायर में भर लिया, हीट कर दिया। अब हमारा वही तीन प्रोसेस होगा। सबसे पहला क्या है? थर्मल सब्लिमेशन, फिर थर्मल आयोनाइजेशन, फिर थर्मल ट्रांजिशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम सॉल्ट लेंगे, प्लस के साथ हमने क्लोराइड माइनस सॉलिड ले लिया। तो जब मैं इसको हीट करूंगा, मैं क्या करूंगा? इसको हीट करूंगा तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनेगा, प्लस Cl माइनस गैस। और आपको पता है कि डायरेक्टली कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। यस और नो? तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे थर्मल सब्लिमेशन। इसको हम बोलेंगे थर्मल सब्लिमेशन। अब दूसरा क्या होगा? अब यही जो हम गैस का लेते हैं प्लस एंड Cl माइनस गैस, ये क्या होता है? ये फर्दर डिसोसिएट करता है। ये फर्दर क्या करेगा? ये फर्दर आपका डिसोसिएट करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जो हमने मेटल प्लस लिया, इसका भी गैस मिलेगा और साथ में क्लोरीन का भी गैस मिलेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? थर्मल आयोनाइजेशन। अब हमें तो फ्लेम टेस्ट करना है किसका? एल्कली मेटल का। तो हम क्लोराइड का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं इसकी फर्दर क्या करेंगे? ट्रांजिशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास मेटल आया गैस फेज में, अब क्या होगा? अब इसमें ट्रांजिशन होगा, मतलब आपने इसको हीट किया तो जो इलेक्ट्रॉन आपने इसको हीट किया, जो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में था वो एनर्जी गेन करके चला गया हायर लेवल में, और बाद में जब एनर्जी इसका लॉस हुआ फिर से आ गया लोअर लेवल में। तो ये वाला प्रोसेस होते रहता है, जब लोअर से हायर गया
तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, और जब हायर से लोअर गया तो इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो ये वाला प्रोसेस होता है कि एनर्जी लोअर से हायर, हायर से लोअर, और ये पूरा प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, जो आप हीट कर रहे हो। तो यही जो ऊपर नीचे बार बार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यही आपको फोटोन एमिट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, यही आपको फोटोन एमिट कर रहे हैं, और यही फोटोन आपको कलर बताएगा। यही क्या करेगा, ये आपको कलर बताएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फोटोन विल गिव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। यही फोटोन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देगा। क्लियर है? तो लैब में आपको जब भी, मान लो कभी आप बाहर जाओगे फॉर द वाइवा, तो इसी तरह से आपको बताना पड़ेगा कैसे लैब होता है। अब चलिए, जब आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया किसका क्या कलर है, हम बता रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं लिथियम प्लस, अगर इसका पूरा आप टेस्ट करोगे तो इसका कलर आता है क्रिम्सन, CRIMSON। अगर आप बात करते हो सोडियम प्लस तो इसका कलर आता है गोल्डन येलो, द कलर इज गोल्डन येलो। अगर आप बात करते हो पोटेशियम प्लस तो इसका कलर आता है पिंक, या इसको हम क्या बोलते हैं, लाइलिक, LYLIC, या क्या बोलेंगे इसको हम, पिंक वॉयलेट। जब हम RB प्लस की बात करते हैं, रूबिडियम प्लस, इसका कलर होता है वॉयलेट। जब हम सीजियम प्लस की बात करेंगे इसका कलर होता है ब्लू। तो ये हमारा पूरा का पूरा कलर हो गया ग्रुप वन का। अगर हम ग्रुप टू की बात करें, बेरिलियम प्लस टू, नो फ्लेम टेस्ट, बेरिलियम प्लस टू का फ्लेम टेस्ट नहीं होता है तो कलर नहीं देगा। मैग्नीशियम प्लस टू, नो फ्लेम टेस्ट तो कलर नहीं देगा। कैल्शियम प्लस टू का कलर होता है ब्रिक्स रेड, जो आप ब्रिक्स देखते हो ना, इसका कलर होता है ब्रिक रेड। एस्ट्रॉन्शियम प्लस टू का जो कलर होता है इट इज क्रिम्सन, और बेरियम प्लस टू का कलर होता है एप्पल ग्रीन। तो भैया देखिए, ये आपको सब कलर याद रखना पड़ेगा। जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना बार आपको कलर याद होगा, लिख के याद करोगे, ट्रिक्स बना लो, लॉजिक बना, जैसे ही बना आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक हमारा क्वेश्चन ये आता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देता है, बेरिलियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देता है, क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होता है, इनका आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाता है। जैसे मान लो बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास केवल 1s2 बच गया। यानी जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इनका एक एक लास्ट वाला वैलेंस सेल खत्म हो जा रहा है, जिनके कारण क्या हो रहा है कि इनका अब जो लास्ट नया सेल बनेगा वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज आ गया। जब न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज आ गया तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में चार्ज है पॉजिटिव, और जो हमारा सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है कि फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। तो शॉर्ट में हम इसको क्या बोल सकते हैं,
कि टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल देयरफॉर सेल कम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड फ्लेम एनर्जी इज नॉट सफिशियंट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए आपका BE प्लस टू और MG प्लस टू फ्लेम टेस्ट नहीं देने का काम क्या होता है, ये कलर नहीं देता। अब देखिए कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक का भी, बस खाली आपके नॉलेज के लिए, कि जो हमारा कॉपर प्लस टू होता है ना, इसका होता है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, ये होता है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम इसका कलर। और जो हमारा होता है पीबी प्लस टू, ये देता है ब्लू फ्लेम। पीबी प्लस टू ये हमको देता है ब्लू फ्लेम। अब ये वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछता है कि हम लीड प्लस टू का फ्लेम टेस्ट को अवॉइड करते हैं, लीड प्लस टू का हम फ्लेम टेस्ट अवॉइड करते हैं क्यों? देखो लीड प्लस टू को जब आप हीट करोगे तो ब्लू फ्लेम देगा, इस टेस्ट को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? कि सेंस जो हमारा लीड होता है पीबी इज पॉइजनस, ये बहुत ही जहरीला होता है, इट इज पॉइजनस, देयरफॉर इट्स फ्लेम टेस्ट इज अवॉइडेड, देयरफॉर इट्स फ्लेम टेस्ट इज अवॉइडेड। जहरीला होने के कारण इसके हम फ्लेम टेस्ट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्लियर? चलो